नित्यं कौटिल्ये गतौ। नित्यं प्रथमा के एक वचन, कौटिल्ये सप्तमी के एक वचन, गतौ सप्तमी का एक वचन। गत्यर्थात कौटिल्य एवं स्यात् न तो क्रिया समविहार है। गत्यर्थक जितने भी धातु है आपका गम गतौ शिद गत्याम व्रज गतौ, जितने भी इस प्रकार गत्यर्थक धातु है, सारे गत्यर्थक धातु इकट्ठा कर लो, वह सभी धातुओं से यंग जो प्रत्यय है वह सदा ही कुटिल गति अर्थ में होगा। कौटिल्य मानी कुटिलता अर्थ में, टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी चाल, इसी अर्थ में होगा यंग, क्रिया समविहार अर्थ में नहीं होगा। न तो क्रिया समविहार है, क्रिया समय में पुनः पुनः होना, अधिक होना या अतिशय न होना, इन अर्थों में तो होगा नहीं, किंतु कुटिल गति अर्थ मात्र में होगा। नित्यम कह दिया, इसे विकल्प भी नहीं है, यहां नित्य ही होगा। कुटिलम व्रजति, कुटिलम व्रजति, विग्रहवाक्य व्रज धातु है, कुटिलम व्रजति टेढ़ा चलता है, टेढ़ा चलता है। व्रज धातु से यंग लगा हुआ, व्रज धन यंग संयंग द्वित कर दिया, व्रज व्रज धन यंग पूर्वाभ्यास हलादिशेष व व्रज धन यंग व व्रज धन य रहा, है ना, व व्रज य। इस अवस्था में सूत्र आ रहा है दीर्घो अकितः, दीर्घो प्रथम का एक वचन, अकितः षष्ठी का एक वचन। अकितोभ्यास से दीर्घो यंगी यंग लुकी च, अकित अभ्यास, अरे अभ्यास को कौन कित किया, आज तक कभी कित हुआ अभ्यास, कैसे हो जाएगा अभ्यास कित। कहते भाई यंग प्रकरण में तीन चीज आती है, नीक नुक रिक आगम होता है, कुछ धातुओं से नीक आगम होता है, कुछ धातुओं से नुक आगम होता है, कुछ धातुओं से रिक आगम हो जाता है अभ्यास को। जब आगम होंगे तो अभ्यास क्या हो जाता है, कित हो गया, कित वर्ण आगम हो गया ना, ये कहां आगम होते हैं अभ्यास को ही। अभी रीक का तो आएगा, नरी नृत्य थे, नृत्य धातु लेंगे, रीक आगम करेंगे, वहां रीक आगम हो तो क्या हो गया, कित आगम हो गया है, अतः अभ्यास भी कित माना जाएगा। अभ्यास इसलिए कित हो गया ना क्योंकि कित अवयव जुड़ गया, कित धर्म वाला एक अवयव जुड़ गया, तो अभ्यास भी क्या हो गया, कित कहा जाएगा। लेकिन जहां ऐसे कोई आगम नहीं हुआ, जिस वर्तमान धातु व्रज धातु को न नीक आगम हो रहा है, न नुक हो रहा है, न रीक हो रहा है, कोई आगम नहीं है यहां, अतएव कोई कित धर्म वाला अवयव इसमें जुड़ा हुआ नहीं, किसमें, अभ्यास में, अतएव अकित अभ्यास कहा जाएगा। वर्तमान में जो वह है व्रज धातु का अभ्यास, वो क्या है, वो अकित अभ्यास। ऐसे अकित अभ्यासों को दीर्घ होता है, जो वाह हो गया, वाह व्रज्या बन गया धातु, व्रज धातु था यंग होकर वाह व्रज्या बन गया, स्नात्यंता धातु उसकी धातु संज्ञा हो गया। लट तप अतोगुणे परुपम टेरे तम वाह व्रज्यते, लेकिन दीर्घ हमेशा दो ही जगह में होता है ना, यंग में और यंग लुक के विषय में, यंग के पर रहते हुए और अथवा यंग का लुक होने पर, दो ही अवस्था यंगी यंग की च व्रज्यते व्रज्येते व्रज्यन्ते व्रज्यसे व्रज्येथे व्रज्यद्वे व्रज्ये व्रज्यावहे व्रज्यावहे। व्रज्य अनेकाच धातु है, इसलिए इसे क्या होगा, आम हो गया लिट लकार में, आम से लिट लुक भी हो गया, लिटाए वावर से लिट, लिट आते आम हुआ, आम सूत्र ने क्या कर दिया, लिट को लुक कर दिया, वावरज्य आम रह गया। उस स्थिति में सूत्र आ रहा है यस्य हलः, यस्य हलः, यस्य षष्ठी एक वचन, हलः पंचमी का एक वचन। यस्य संघात ग्रहण, यस्य जो है क्या ग्रहण करना है,
संघात ग्रहणम यस्य इति संघात ग्रहण। हल पर से य शब्द से लोपहा आर्ध धातु के हलंत से परम में आया हुआ य शब्द का लोप हो जाता है आर्ध धातु के प्रत्यय हुए। पहले से दृष्टांत किसका था, केवल भू धातु अजंत का दृष्टांत दिया था, अब हलंत दिया। हलंत है व्रज, वह व्रज हलंत है, उस हल से परम में आ गया यह संघा, उस संघा संपूर्ण का लोप हो कब, आर्ध धातु के प्रत्यय, आम के अर्ध संज्ञा है ही आर्ध धातु शेष तीन छेद से बिना उसका आर संज्ञा है, उस आम रूपी आर्ध धातु प्रत्यय यह संपूर्ण का लोप होना प्राप्त हुआ। अब यस्य हला में हला क्या था, पंचमी से पंचमी निर्दिष्ट कार्य क्या होता है हमेशा, तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरण वेद से परस्य बोध्यम, और परस्य जो होगा वहां भी आदेह परस्य, परस्य विहितम तत्तस्य आदेह बोध्यम, इसे क्या हुआ केवल यह कलप हो गया वा रज और आम यस्य हलः, परिभाषा सूत्रों की सहायता से आदिभूत यकार मात्र का लोप कर दिया अब बच गया वाव्रज ओ आम हो गया। अब अतो लोपः हो गया लोप कर दीजिएगा वाव्रजाम हो गया अब, है ना, और चला गया जग का जाएगा आम ही तो वाव्रजाम अतो लोपः। अब क्री का अनुप्रयोग कर दो, लिटी व्रजान चक्रे व्रजान चक्राथे व्रजान चक्रिरे व्रजान चक्रिषे व्रजान चक्राथे व्रजान चक्रिभ्रे व्रजान चक्रे व्रजान चक्रीवहे व्रजान चक्रीमहे, सभी आर्धातुकों में यही होगा यस्य हलः अतोलोपः यंग पुरे को लोप कर डालेगा व्रज तासे व्रज तास है ना, इटागम हो गया वाव्रजिता 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 रौ वाव्रजिता रह वाव्रजिता से वाव्रजिता साथे वाव्रजिता द्वे वाव्रजिता हे वाव्रजिता स्वहे वाव्रजिता स्महे, बाकी सब चला लीजिए कोई दिक्कत है नहीं। वाव्रजिष्यते वाव्रजिष्येते वाव्रजिष्यन्ते वाव्रजिष्यसे वाव्रजिष्येते वाव्रजिष्यद्वे वाव्रजिष्ये वाव्रजिष्यावहे वाव्रजिष्यामहे वाव्रज्यताम, या तो यंग सुनाई देगा सार्धातुकों में यंग के या और आ सब सुनाई देगा वाव्रज्यताम वाव्रज्येताम वाव्रज्यन्ताम वाव्रज्यस्व वाव्रज्येताम वाव्रज्यद्भम वाव्रज्यै वाव्रज्यावहै वाव्रज्यामहै अवाव्रज्यत अवाव्रज्येताम अवाव्रज्यन्त अवाव्रज्यथाः अवाव्रज्येताम अवाव्रज्यद्भम अवाव्रज्ये अवाव्रज्यावहि अवाव्रज्यामहि वाव्रज्येत वाव्रज्येयाताम वाव्रज्येरन् वाव्रज्येथाः वाव्रज्येयाताम वाव्रज्येद्भम वाव्रज्येय वाव्रज्येवहि वाव्रज्येमहि वाव्रजिशिष्ट यार्धत्वगे ना यस्य हलः अतोलोप यंग पुरा लोप हो जाएगा वा व्रज बचा स्यूटे सुटदो है उसके टागमा निकाचन से इटागमा वा व्रजिशिष्ट वा व्रजिशियास्ताम वा व्रजिशीरन व्रा वा व्रजिशिष्ठाः वा व्रजिशियास्ताम वा व्रजिशीद्भम वा व्रजिशीय वा व्रजिशीवहि वा व्रजिशीमहि अवा व्रजिष्ट अभी यंग हो गए लोप यस्य हलः अतोलोप अवाव्रजिष्ट अवाव्रजिषाताम अवाव्रजिषत अवाव्रजिष्ठाः अवाव्रजिषाताम अवाव्रजिद्भम अवाव्रजिद्भम नहीं होना चाहिए पुस्तक में ज्यादा गलत छपता है अवाव्रजिद्भम अवाव्रजिषी अवाव्रजिष्वहि अवाव्रजिष्महि सिस्मालोप कैसे हो जाएगा सिस तो रहेगा अवाव्रजिषी अवाव्रजिष्वहि अवाव्रजिष्महि अवाव्रजिष्यत अवाव्रजिष्येताम अवाव्रजिष्यन्त अवाव्रजिष्यथाः अवाव्रजिष्येताम अवाव्रजिष्यद्भम अवाव्रजिष्ये अवाव्रजिष्यावहि अवाव्रजिष्यामहि। ऋतु वर्तने धातु ले रहे हैं, व्रज धातु के बाद ऋतु वर्तने धातु ले रहे हैं, वृत्त धातु है, वृत्त धातु से यंग हुआ
व्रत धातु से यंग हुआ व्रत 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 पूर्वाभ्यास लाल शेष विवृत व्री वृत व्री वृत हुआ अव्री के व्रत अर हो गया रफर होकर के रेप का भी लाल शेष लोप हो गया वृत धन यंग यंग का यह बहुत संपूर्ण है। इस अवस्था में सूत्र लग रहा है रीग रुदुपदस्य च रीग रुदुपदस्य च रीग प्रथमा का एक वचन रुदुपदस्य षष्ठी का एक वचन च अव्यय रुदुपदस्य धातु अभ्यास रीग आगम यंगी यंगलुकी च यंगी यंगलुकी च रीग आगम होगा रुदुपदस्य धातु अभ्यासस्य रिक्त उपधा में जिसका ऐसे धातु का जो अभ्यास उस अभ्यास को क्या होगा री का गम होता है कब यंग होने पर अथवा यंग लुक के विषय में से री का गम हुआ री में भी सिर्फ पहले से उन्होंने दीर्घ ई कर दिया पाणिनी में पहले ही दीर्घ कर दिया ना उन्होंने रीक दीर्घ आदेश कर दिया आगम कर दिया नहीं रस्व करते दीर्घ नहीं कर पाते आप कि दीर्घो अकिता बोला कितों को दीर्घ होगा नहीं और ये क्या है कित आगम हो जाए अभ्यास भी कित अवय वाला हो गया कित माना जाएगा बाद में दीर्घ आप कर नहीं सकते थे आदे पाण ने सोच समझ करके पहले से ही दीर्घ री को आदेश कर दिया आगम कर दिया री का आगम कर दिया तो वरी वृत्य श्राधन दास से धातु संज्ञा हो गया लर्त शब तेरे तम वरी वृत्यत वरी वृत्यत यंग का गित होने से वृत्त धातु के री उपधा को पुगंत लघु जैसे गुण नहीं होगा वरी वृत्यते वरी वृत्येते वरी वृत्यन्ते वरी वृत्यसे वरी वृत्येते वरी वृत्यद्वे वरी वृत्ये वरी वृत्यावहे वरी वृत्यामहे पुनः पुनः अतिशयेन वा वर्तते इति वरी वृत्यते पुनः पुनः यातिशयेन या अधिकेन वा वर्तते इति वरिवृत्यते यहाँ समविहार अर्थ में ना क्रिया समविहार अर्थ में यंग और यहाँ पर भी आम की प्रत्यय क्या हुआ यस्य हलः यह कलोप होगा अतोलोप से अकलोप होगा वरिवृताम रह गया क्री का अनुप्रयोग करो वरिवृतान चक्रे वरिवृतान चक्राधे वरिवृतान चक्रिरे वरिवृतान चक्रिषे वरिवृतान चक्राधे वरिवृतान चक्रिद्वे वरिवृतान चक्रे वरिवृतान चक्रीवहे वरिवृतान चक्रीमहे वरिवृतिता वरिवृतिता वरिवृत्या है पर में तास आएगा तास का तो अभी आया ता को डा हो गया तास का स्त्रीलोप हो गया डा का मिल गया ता बच गया वरिवृत्य ता अनेकात्वात् अनेकाच वाला धातु से इतागम हो गया वरिवृत्य इता यस्य अलः अतोलोपः वरिवृत् इता है कुछ पुस्तकों में यहाँ गुण कर दिया गया है कुछ पुस्तकों में यहाँ री को गुण कर दिया वरिवर्तिता छाप दिए हैं आपके रूपचंद्र में क्या छपा है वरिवृतिता होगा क्यों अतोलोप जो हुआ है उसका स्थानत भाव हो जाता है आचा परस्मिन पूर्व विधौ और पूर्व विधौ करते पूर्वस्य पुरस्मात् परस्य स्थान किंचित विधौ अपि या अ जो लोप हो रखा है उसको हम स्थानित भाव करें क्या होगा बीच में अकार आ जाएगा जब बीच में अकार आएगा पिता के पढ़ते हुए उपधा मेरी मिलेगा नहीं मिलेगा अतः क्या होगा गुण नहीं हो सकता यह लोप किया ना हमने आलोक को भी हम स्थान भाव करेंगे सिद्धांत कुमुदी में आता है अच्छा पर्सन पूर्व से प्राप्त स्थान भाव को निषेध कहाँ कहाँ करता है वरे लोप स्वर स्वर्णान स्वर दीर्घ जिशु माया ना यण करते वक्त दीर्घ करने के लिए वरे प्रत्यय प्रत्यय हुए स्वर स्वर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर विदिशु ऐसा है सूत्र तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हम सानुभव कर देंगे तो गुण हो नहीं सकता वरी वृतिता बनेगा वरी वृतिता क्योंकि यहाँ पर है ना अच्छा प्रश्न पूर्व विधाओ अतोलोप के स्थानुभाव उपधा गुण नहीं हो सकता क्योंकि गित है ना वो जिसके स्थानुभाव कर रहे हैं वो आकार क्या है गित है
यह किस समय पर करे तो भी वो यह गित यंग गित, तो यह और भी गित है, तो गित के प्रत्येक गुण निषेध हो जाता है। आचा परस्मिन पूर्विधौ वरी वृतिता, वरी वृतिता, वरी वृतिता रौ, वरी वृतिता रह, वरी वृतिता से, वरी वृतिता साते, वरी वृतिता द्वे, वरी वृतिता स्व, वरी वृता हे, वरी वृता स्व हे, वरी वृता स्म हे, वरी वृतिष्यते, वरी वृतिष्येते, वरी वृतिष्यन्ते, वरी वृतिष्यसे, वरी वृतिष्येते, वरी वृतिष्यद्धे, वरी वृतिष्ये, वरी वृतिष्यावहे, वरी वृतिष्यामहे, और वरी वृत्यता, वरी वृत्यता, वरी वृत्येता, वरी वृत्यन्ता, वरी वृत्यस्व, वरी वृत्येता, वरी वृत्यध्वम, वरी वृत्ये, वरी वृत्यावहे, वरी वरी वृत्यै, वरी वृत्यावहै, वरी वृत्यामहै, वरी वृत्यता, और अब अवरी वृत्यत, अवरी वृत्येता, अवरी वृत्यन्द, अवरी वृत्यथा, अवरी वृत्येता, अवरी वृत्यध्वम, अवरी वृत्ये, अवरी वृत्यावहि, अवरी वृत्यावहि, वरी वृत्येत, वरी वृत्येयाताम, वरी वृत्येरन, वरी वृत्येथा, वरी वृत्येयाताम, वरी वृत्येध्वम, वरी वृत्येय, वरी वृत्येवहि, वरी वृत्येमहि, वरी वृत्तिशिष्ट, वरी वृत्तिशिष्ट, वरी वृत्तिशीयास्ताम, वरी वृत्तिशीरन, वरी वृत्तिशिष्टः, वरी वृत्तिशीयास्ताम, वरी वृत्तिशीध्वम, वरी वृत्तिशीय, वरी वृत्तिशीवहि, वरी वृत्तिशीमहि, अवरी वृतिष्ठ, अवरी वृतिशाताम, अवृति वृतिशत, अवरी वृतिष्ठाः, अवरी वृतिशाताम, अवरी वरी वृतिध्वम, अवरी वृतिशी, अवरी वृतिष्वहि, अवरी वृतिष्महि, अवरी वृतिष्यत, अवरी वृतिष्येताम, अवरी वृतिष्यन्द, अवरी वृतिशथाः, अवरी वृतिष्येताम, अवरी वृतिषध्वम, अवरी वृतिष्ये, अवरी वृतिष्यावहि, अवरी वृतिष्यामहि, और अब नृति गात्र विक्षेप है, नृत धातु नाचनार्थ में उससे रूप चलाएंगे। अभी नृत धातु है, नृत धातु से यंग वा धातु और एकाच हलादे समाज प्रयास अनुसार यंग यंग हो गया, नृत धन यंग, यंग का संपूर्ण संघात यर हो गया, नृत धन य संयंग दित्वा नृत नृत धन्य, ढ्री नृत धन्य, नर नृत धन्य, पूर्वाभ्यास अलाद शेष न नृत धन्य, ऋग ऋतुपद से च ऋक आगम हो गया, नरी नृत धन्य, इस रेप को निमित्त मान करके दंत नकार को मूर्धन्य कर होना प्राप्त है। अट कुप्पांगुम विवाये भी समान पद है ना, इसे प्राप्त था, इसे बाद सूत्र ला रहे हैं, शुभनादिशुच शुभनादिशुच शुभनादिशो सप्तमी का बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। शुभनादि एक गण है, इस गण में पड़े सकल शब्दों को प्राप्त दंत नकार मूर्धनकार जो प्राप्त था उसको निषेध कर दिया जाता है, न तम न, शुभनादि गण में पठित जो शब्द हैं उनमें नत्व नहीं होता, उसी गण में भी शब्द है अतव नत्व नहीं हुआ, नदी नृत्य धातु से क्या कर दो श्राध्यंता धातव लट शेरे तम नरी नृत्य दे, नरी नृत्य दे, नरी नृत्य दे, नरी नृत्यंते, नरी नृत्य से, नरी नृत्य थे, नरी नृत्य द्वे, नरी नृत्य, नरी नृत्यावहे, नरी नृत्यामहे, लड़ाले पूर्वत ही आम होगा, आर्ध संज्ञा है, यह कलोप यस्य लह आ कलोप अतलोप से नरीन्द्रताम, और क्री का अनुप्रयोग कर दो, नरीन्द्रतान चक्रे, नरीन्द्रतान चक्राथे, नरीन्द्रतान चक्रे रे, नरीन्द्रतान चक्रशे, नरीन्द्रतान चक्राथे, नरीन्द्रतान चक्रे, नरीन्द्रतान चक्रे, नरीन्द्रतान चक्री वह, नरीन्द्रतान चक्री महे, नरीन्द्रजिता सभी आर्धातुकों में यस्य लह यलोप अतलोप आलोप, नरीन्द्रजिता, नरीन्द्रजितारौ, नरीन्द्रजितारः, नरीन्द्रतासे, नरीन्द्रतासाथे, नरीन्द्रताद्वे, नरीन्द्रताहे, नरीन्द्रतास्वहे, नरीन्द्रतास्महे, नरीन्द्रतिष्यते, नरीन्द्रतिष्येते, नरीन्द्रतिष्यन्ते, नरीन्द्रतिष्यसे, नरीन्द्रतिष्येथे, नरीन्द्रतिष्यद्वे, नरीन्द्रतिष्ये, नरीन्द्रतिष्यावहे, नरीन्द्रतिष्यामहे,
நரி நிருத்தியதாம் நரி நிருத்தியதாம் நரி நிருத்தியந்தாம் நரி நிருத்தியஸ்வ நரி நிருத்தியதாம் நரி நிருத்தியத்வம் நரி நிருத்தியை நரி நிருத்தியாவகை நரி நிருத்தியாமகை அநரி நிருத்தியதோ அநரி நிருத்தியதாம் அநரி நிருத்தியந்தோ அநரி நிருத்தியதா அநரி நிருத்தியதாம் அநரி நிருத்தியத்வம் அநரி நிருத்தியே அநரி நிருத்தியாவகி அநரி நிருத்தியாமகி நரீநிருத்தியேத நரீநிருத்தியேயாதாம் நரீநிருத்தியேரன் நரீநிருத்தியேதாஹ நரீநிருத்தியேயாதாம் நரீநிருத்தியேத்வம் நரீநிருத்தியேய நரீநிருத்தியேவஹி நரீநிருத்தியேமஹி நரீநிருத்திஷிஷ்ட நரீநிருத்திஷிஷ்ட நரீநிருத்திஷியாஸ்தாம் நரீநிருத்திஷீரன் நரீநிருத்திஷிஷ்டாஹ நரீநிருத்திஷியாஸ்தாம் நரீநிருத்திஷித்வம் நரீநிருத்திஷிய நரீநிருத்திஷீவஹி நரீநிருத்திஷீமஹி அநரீநிருத்திஷ்ட அநரீநிருத்திஷாதாம் அநரீநிருத்திஷத அநரீநிருத்திஷ்டாஹ அநரீநிருத்திஷாதாம் அநரீநிருத்திட்வம் அநரீநிருத்திஷி அநரீநிருத்திஷ்வஹி அநரீநிருத்திஷ்வஹி அநரீநிருத்திஷ்யத அநரீநிருத்திஷேதாம் அநரீநிருத்திஷ்யந்த அநரீநிருத்திஷதாஹ அநரீநிருத்திஷேதாம் அநரீநிருத்திஷத்வம் அநரீநிருத்திஷியே அநரீநிருத்திஷ்யாவஹி அநரீநிருத்திஷ்யாமஹி ग्रह उपादाने धातु है। ग्रह धातु पकड़ना ग्रहण करना अर्थ में है। ग्रह धातु से क्रिया सवार अर्थ में यंग वा ग्रह धन या ग्रह धन या पहले संप्रसारण हो जाएगा। गित है ना पर में गित है और अपित पर में है। अतः पित वाला सूत्र भी नहीं लगेगा। कोई ऐसा मामला है नहीं। यहाँ सीधे गित मिल गया। इसलिए गृही ज्या वही वष्टि विच्छेद प्रच्छेद ब्रजति नाम गीति च सूत्र से क्या होगा। गीत के पर संप्रसारण हो गया। र को री हो गया। संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया अकार को तो गृह धातु बन गया। दित करो गृह गृह धनिया गर गृह धनिया ग गृह धनिया पुराभ्यास उरा धलाधिशेष ग गृह धनिया कोशु ज गृह धनिया ज गृह धनिया रिक ऋतुपदस्य च से रीक आगम हो गया। जरी गृह धनिया ये जान बुझ के दिया है। जो ऋतुपदस्य गार्थ प्रतिपदो ऋतुपद नहीं लेना। लाक्षणिक ऋतुपद भी लिया जा सकता है। ये नियम होता है ना लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त सेव ग्रहण परिभाषा। अब यहां पर क्या है ऋकार उपदान में कब आया सूत्र लगाकर। उपदेश काल में क्या था रेफ री तो था ही नहीं। इसको हम कहते प्रतिपदोक्त अवस्था। सूत्र लगाकर बन गया तो लाक्षणिक हो गया। लक्षण कहते यहां सूत्रों को ध्यान में ना। इसलिए यहां पर देखो री ऋतुपद जो सूत्र का और ऋतुपद कहां होना चाहिए उपदेश काल में हो। ऐसा यदि कर दोगे तो यहां नहीं लग सकता री काल में कि उपदेश काल में वो री उपधा में था ही नहीं। इसलिए वह जानबूझ के दृष्टांत आपको दिया है ध्यान दिलाने के लिए कि ऋतुपद का तात्पर्य यहां कोई लेन देन नहीं। उपदेश काल में हो चाहे बाद में बना हुआ हो लाक्षणिक हो या प्रतिपदोक्त हो दोनों ही ऋतुपदों को रीक आगम हो जाएगा। जरी गृह्य धातु बन गया। लट शब्द ऋतम पूर्ववर्ती कर देना तो जरी गृह्यते जरी गृह्येते जरी गृह्यन्ते जरी गृह्यसे जरी गृह्येथे जरी गृह्यध्वे जरी गृह्ये जरी गृह्यावहे जरी गृह्यामहे जरी गृहांचक्रे जरी यहाँ पर क्या गृह रहेगा। यक यसे यकलोप अतलोप से अकलोप जरी गृह्यांचक्रे जरी गृह्यांचक्रे तो प्राप्त उसके बाद क्या जरी गृहांचक्रे जरी ग्रहान चक्रे जरी ग्रहान चक्राथे जरी ग्रहान चक्रिशे चक्रिरे जरी जरी ग्रहान चक्रिशे जरी ग्रहान चक्राथे जरी ग्रहान चक्रिध्वे जरी ग्रहान चक्रे जरी ग्रहान चक्रीवहे जरी ग्रहान चक्रीमहे जरी गृहिता जरी गृहितारो जरी गृहितारह जरी गृहितासे जरी गृहितासाथे जरी गृहिताध्वे जरी गृहिता है जरी गृहिता स्व है जरी गृहिता स्म है
ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯದೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯದೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯಂದೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯಸೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯೇಧೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯದ್ವೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯೇ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯಾವಹೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಷ್ಯಾಮಹೆ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಯತಾಂ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಯತಾಂ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಯಂತಾಂ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಯಸ್ವ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಯೇತಾಂ ಜಿರಿಗ್ರಹಿಯಧ್ವಂ ಜಿರಿಗ್ರಹ್ಯೈ ಜಿರಿಗ್ರಹ್ಯಾವಹೈ ಜಿರಿಗ್ರಹ್ಯಾಮಹೈ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯತ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯೇತಾಂ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯಂತ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯಥಾ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯೇತಾಂ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯಧ್ವಂ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯೇ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯಾವಹಿ ಅಜರಿಗೃಹ್ಯಾಮಹಿ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇತ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇಯಾತಾಂ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇರನ್ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇಥಾ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇಯಾಥಾಂ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇಧ್ವಂ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇಯ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇವಹಿ ಜರಿಗೃಹ್ಯೇವಹಿ ಜರಿಗೃಹೀಶಿಷ್ಟ ಜರಿಗೃಹೀಶಿಯಾಸ್ತಾಂ ಜರಿಗೃಹೀಶಿರನ್ ಜರಿಗೃಹೀಶಿಷ್ಟಾ ಜರಿಗೃಹೀಶಿಯಾಸ್ತಾಂ ಜರಿಗೃಹೀಶಿಧ್ವಂ ಜರಿಗೃಹೀಶಿಯ ಜರಿಗೃಹೀಶಿವಹಿ ಜರಿಗೃಹೀಶಿಮಹಿ ಅಜರಿಗೃಹೀಷ್ಟ ಅಜರಿಗೃಹೀಶಾತಾಂ ಅಜರಿಗೃಹೀಶತ ಅಜರಿಗೃಹೀಷ್ಟಾ ಅಜರಿಗೃಹೀಶಾತಾಂ ಅಜರಿಗೃಹೀಧ್ವಂ ಅಜರಿಗೃಹೀಶಿ ಅಜರಿಗೃಹೀಶ್ವಹಿ ಅಜರಿಗೃಹೀಶ್ವಹಿ ಅಜರಿಗೃಹೀಶತ ಅಜರಿಗೃಹೀಶೇತಾಂ ಅಜರಿಗೃಹೀಶ್ಯಂತ ಅಜರಿಗೃಹೀಶಥಾ ಅಜರಿಗೃಹೀಶೇತಾಂ ಅಜರಿಗೃಹೀಶಧ್ವಂ ಅಜರಿಗೃಹೀಶ್ಯೇ ಅಜರಿಗೃಹೀಶಾವಹಿ ಅಜರಿಗೃಹೀಶಾಮಹಿ इस प्रकार यंगन प्रकरण यंगन प्रकरण जिसका चेकृत प्रकरण कहते हैं वह भी पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब आरंभ होता है चर्करीत प्रकरण। क्या प्रकरण है? चर्करीत प्रकरण या यंग लुगंत प्रकरण को भी का ही नाम है चर्करीत प्रकरण। यंग लुगंत प्रक्रिया या यंग लुगंत प्रकरणम अथवा चर्करीत प्रकरण भी इसका नाम। एक गण सूत्र आपने पढ़ा है पहले चर्करीतंचा, कहाँ है ये चर्करीतंचा? अदादिगण में। और वहीं बता दिया था यंग लुंगन जितने भी धातु है ये सब कैसे चलेगा? इनको अदादिगण में ले लिया जाएगा। इनको अदादिगण में लेने से फल क्या निकलेगा? सार धातु लकारों में अधिक प्रतिभ्य शपा से शब लुक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। कब होता है यंग लुक? सूत्रारंभ होता है ष्टी के एक वचन अची सप्तमी के एक वचन च अव्यय है। यंगो अची प्रत्यय लुक स्यात्। सूत्र में जो चकार आया चकारा तम विनापि क्वचित अर्थात सर्वत्र होगा। यंग का लोप होता है, यंग प्रत्यय को लुक कर देना। लुक का अर्थ क्या होता है? लुक शब्द से प्रत्यय का आदर्शन किया। प्रत्यय से लुक्षलोलुपहा कब करना है? अजादि प्रत्यय के प्रत्यय में कह दिया पहले, फिर कहते हैं इस सूत्र में चा क्यों कहा? वह चकारात तम बिना, तम ने अच के बिना भी अजादि प्रत्यय हो तो होगा, अजादि प्रत्यय ना हो तो भी होगा लुक, अर्थात सदा होगा लुक। इसलिए आगे और स्पष्ट करने के लिख दिया अनैमित्तिको अयम अंतरंगत्वाद आदौ भवति, अर्थात से कोई निमित्त ही नहीं। अच के प्रत्यय अजादि प्रत्यय, फिर आगे कहा चकार के वजह से अच के न रहने पर भी होगा। इसका मतलब क्या? कुछ भी ना हो पर में तो भी होगा। यंग को लुक कर, यंग को लाना है, लुक कर देना है। आने जाने का लाभ क्या है? अर्थ की प्रतीति। भले प्रत्यय नहीं है, चला गया प्रत्यय, लेकिन प्रक्रिया होगी। द्वित्वादि जो होना है वो होगा ही, ऐसा कोई संशय नहीं। द्वित्वादि होंगे और अर्थ का बोध हो गया। अनैमित्ति को है वास्तव में जो यंग लुक है वो बिना किसी निमित्त का ही होना चाहिए। क्यों? अंतरंगत्वात्। अतएव निर्निमित्त होने से अंतरंग हो गया कि जितनी अपेक्षा होता है उतनी बहिरंग होती जाता है, जितनी अपेक्षाएं कम होंगे उतना ही वो अंतरंग कहा जाता है। अल्पापेक्षम अंतरंगम बहुअपेक्षम बहिरंगम, यानी अल्प अपेक्षाएं हो, अल्प निमित्त की अपेक्षा रह जाए तो उसको अंतरंग कहते हैं। जितनी अधिक से अधिक निमित्तों की अपेक्षा हो जाए तो उसको बहिरंग कहा जाता है। तथा प्रत्यलक्षण यंगन तत्वात द्वित्वम, फिर भी प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण लगा देना और यंगन ध्वनि से क्या हो गया? द्वित्वाधिकारी भी हो जाएगा, द्वित्वाधिकारी भी हो जाएंगे। अभ्यास कार्य द्वित्व हो जाएगा तो अभ्यास कार्य भी हो जाएगा। अभ्यास कारण के पश्चात धातुत्वात लड़ा दिया, धातु होने की संज्ञा हो जाए धातव, फिर लट शेषात कर्तरीति परस्मै पदम। शेषात कर्तरीति से प्रत्यय ने आत्मपद नहीं लाना, अभी तो लुक हो गया। लुक होने कारण से शेषात कर्तरी परस्मै पदम से
परस्पर संयोजक प्रति आएंगे यहाँ। अब परस्पर संयोजक प्रति तो आ गया और शब भी आएगा तिप के साथ, तिप के शब आ गया तो चरकरी तंची अदादो पाठात शपो लुक चकरी तंच गण सूत्र है। कहाँ का कौन से गण का? अदादि गण में पठित गण सूत्र है। अतः क्या कहता है? जो उस गण में कार्य होना है वही कार्य यहाँ भी हो जाएगा। क्या गण का कार्य था? शब का लुक होना, वो कार्य यहाँ भी होगा। और अभ्यस्त हो गया ना यहाँ से, जब भेष्य सूत्र जूस करेगा लंग में लुम में सब जगह, और जुसीच से गुण उसे प्रधानता से कहीं परोप कहीं जुसीच से गुण, ये सब जो विशेष कार्य वहां पर किया अपने आदाधिगण में उन सब को याद रखना पड़ेगा, वो सारे सूत्र यहाँ लग जाएंगे। इसे चक्रित चीती अदादो पाठात शप लुक, शप का लुक हो गया। दृष्टांत सबसे पहले भू धातु का ही ले रहे हैं, भू धातु से यंग लुक हो रहा है, अर्थ वही रहेगा। तो भू धातु से यंग आ गया वही अर्थ में गया, संविहार अर्थ में भू धन गया और उस यंग को लुक कर दिया, इंगो चीचा भू रह गया। सबसे पहले ना कान अंतर्गत सबसे यंग लुक कर देना, बाद या प्रतिलोभ प्रतिलक्षण किया रंगंत मान करके व्युत कर दो, भू भू धन स्व भू भू धन अभ्यास चर्चा भू भू धन यंग था, अभ्यास कार्य हो गया, भू भू बच गया, भू भू शेषार कर धात्वा दसंग धातवा लट टिप शप लट टिप शप, और शब को लुक हो गया अधि प्रवृत्ति ब्या शपह भूधन्ति भूधन्ति, गुण कर दो अभ्यास को, वो भूधन्ति वो भूधन्ति, यंग और यंग लुक दोनों दिशा में गुण करना है आपने, गुणो यंग लुको सूत्र से अभ्यास को गुण हो जाएगा, गुणो यंग लुको वो भूधन तीरा गया। स्थिति में गुण प्राप्त है भूगे उगो सार्थन पित्त है, गुण प्राप्त है एक बात, और दूसरा ई कैगंबीकरण सूत्र ला रहे देखिए, यंगो वा यंगो वा यंग पंचमी वावे यंग लुगंतात् परस्यलाधे पिथः सार्वदास के दुवास्या, यंग लुगंतों से पर में आया हुआ जो हलादि है पित्त है और सार्वधातु के, ऐसे क्या होगा? ईट विकल्प हो जाएगा, ईड वास्यात ईट हो गया, वो भू धन ईति। अब यहाँ कुछ लोग कह सकते थे ना गुण निषेध प्राप्त, गुण प्राप्त है ना भू को, गुण को निषेध कर सकते थे आप, कहाँ वही दिखा रहे नीचे लिखा, भूसुवो हो स्तिंगी इति गुण निषेध यंग लुकी भाषायाम न, गुण निषेध कौन कर रहा था? भूसुवो स्तिंगी, एक सूत्र भी है जो गुण को निषेध करता है, भूसुवो स्तिंगी सूत्र से गुण निषेध प्राप्त था, एक प्रयोग है सूत्रकार ने पाणिनि प्रयोग कर दिया है, वो भूतु प्रयोग सूत्र है ये, वो भूतु ते तिक्ते एक सूत्र में प्रयोग हुआ, इसको देख करके आपको लगता है लोट लगा तू है और वो को गुण नहीं किया, आप सर्वत्र लागू कर सकते इस नियम को, कहीं सभी सार्वधातुओं में कहीं भी गुण नहीं होना चाहिए, तब कहते हैं ये जो सूत्र है ये लाया गया छांदस प्रक्रिया में, छांदस प्रक्रिया में, इसलिए पाणिनि ने दिखाया वेदों में गुण नहीं करना ये दिखाने के लिए प्रयोग किया है, अर्थात लोक में गुण हो जाएगा, और ये ज्ञापन कर दिया तब वो भूतो ते तिक्ते जो प्रयोग किया ये ज्ञापन गुण निषेध कहाँ होगा? वेद मात्र में होगा, इसे गुण निषेध यंगलुकी भाषायम न, यंगलुक के विषय में जो गुण निषेध है वह लौकिक व्यवहार के लिए लागू नहीं होगा। कैसे ज्ञापन हुआ?
भोभूतो ते तिक्ते यदि छंदसी निपातनात् भोभूतो ते तिक्ते ऐसा वेद में प्रयोग होना चाहिए। निपातन किया भाषा पाणिनि ने, वो ज्ञापन करता है। निपातन क्यों कर रहे हैं? अर्थ गुण प्राप्त था, बस प्राप्त को निषेध करने के लिए निपातन प्रयोग करके दिखाया है पाणिनि ने, ज्ञापन कर दिया, इसलिए लोक व्यवहार में गुण होगा, इसलिए गुण हुआ। वो भो धन इति भो एचयासियन का आवादेश भो भवीति भो भवीति भो भवीति, एक पक्ष में ईट हुआ तो, जब ईट नहीं हुआ तो भो भोति भो भवीति, नहीं तो भो भो ती रहेगा, ईट नहीं होगा विकल्प है ना, ईट जब ईट नहीं हुई तो भो भो ती रहेगा, भो भोति भो भवीति भो भोति भो भूतः भो भुवति भो भुवति भो भोषी, कहीं अदभ्यस्तात लगेगा, अभ्यस्त पर में क्या होगा, जी को जो अंतरात से बात करके अत्तादेश कर देंगे, इसलिए वो भवीति वो भोति वो भूत वो भुवती, यहाँ वंग हो गया अजादियों में वंग, वो भुवती वो भविषी वो भोषी वो भूत वो भूत वो भवीमी वो भूमि वो भूव वो भूमः।